आइए अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। जनरली ये इंस्ट्रक्शन तब एनकाउंटर करते हैं आप जब आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में, नॉर्मल एग्जीक्यूशन के बीच में किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं। तो जैसा कि आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको याद होगा कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बीच में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो पहले पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और फिर वापस वो उसी लोकेशन पर चला जाता है जहां पर से उस फंक्शन को कॉल किया था और आगे उससे आगे की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब ये यहाँ पे इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए अभी जो ये इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे बी ए से लिखा है ब्रांच एंड सेव एड्रेस, ये वाला इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है और ये मेमोरी की लोकेशन नंबर 20 में है। जब ये इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद उसी वक्त क्या होगा, उसके अगले स्टेप में प्रोग्राम काउंटर जो है इंक्रीमेंट हो जाता है इंस्ट्रक्शन फेच के साथ साथ ही। तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है T1 क्लॉक पल्स में 21 हो जाएगी क्योंकि वह इंक्रीमेंट हो जाता है। और 21 है क्या, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। लेकिन चूंकि अभी है लोकेशन नंबर 20 पे जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद पता लगा ये BSA है। BSA यानी ब्रांच एंड सेव एड्रेस, यानी ब्रांच होना है, यहां से ब्रांच होना है। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा जो किसी और लोकेशन पे स्टोर्ड है। और वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है ये कहां से पता लगेगा, ये पता लगेगा इस इंस्ट्रक्शन कोड के एड्रेस पार्ट पे 0 to 11 बिट जो है ये बताएंगी। और ये इस वक्त स्टोर कहां पे है, ये T0 क्लॉक पल्स। यहां पे अगर आप फ्लो चार्ट को दोबारा देखें, ये इस वक्त एड्रेस रजिस्टर में जा चुकी हैं ये बिट्स। तो इसलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बिट्स जो है इस वक्त अभी एड्रेस रजिस्टर में है, राइट। और यहां ये फंक्शन स्टोर किया गया है। तो अगर मैं ये लोकेशन यानी एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में डाल दूं तो जो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो इस लोकेशन से यानी कि 21 से ना होके 135 से होगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा जिस नॉर्मल कोर्स में जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना था वापस उसी लोकेशन पर चला जाता है, यानी 20 के बाद 21 होना था। लेकिन 20th लाइन नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन है उसने फंक्शन को कॉल किया जो 135 लोकेशन पे है और पूरा एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन। अब दोबारा जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस जो कंट्रोल है प्रोग्राम का कंट्रोल यहां जाएगा और फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम काउंटर में अगर हम इसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं ये वाली ये एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को, तो हमें इस लोकेशन पर वापस लौटना है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद। तो इस लोकेशन को कहां सेव करें, तो इसका एक छोटा सा समाधान है। समाधान यह है कि जहां आपने फंक्शन को कॉल किया है ये यहां पे इस केस में मेमोरी की लोकेशन नंबर 135 है। तो फंक्शन में हमने एक नियम बना लिया कि फंक्शन का जो पहली लाइन होगी वो खाली होगी, राइट। ये खाली क्यों होगी, क्योंकि हम जो रिटर्न एड्रेस है जहां पे हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न करना है उसका एड्रेस हम यहां स्टोर कर लेंगे, ठीक। और जो इंस्ट्रक्शन है वो यहां से स्टोर है 136 इस पहली लोकेशन के बाद दूसरी लोकेशन से स्टोर्ड है और फिर ये इस फंक्शन का जो लास्ट लाइन है उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है इस रिटर्न एड्रेस की। तो यानी अगला इंस्ट्रक्शन यहां से फेच होगा, लेकिन चूंकि आप यहां देख रहे हैं जो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है इनडायरेक्ट मोड में है, तो इनडायरेक्ट मोड का क्या मतलब हुआ, दो एड्रेस फेच होंगे। पहली बार में तो ये एड्रेस रजिस्टर में ये पता लग गया कि इस लोकेशन पे नया इंस्ट्रक्शन है, लेकिन नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट मोड है इस लोकेशन पे भी एड्रेस ही स्टोर है जो कि इस केस में रिटर्न एड्रेस है, फिर वो उस लोकेशन पर वापस जाके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। आइए अब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की मदद से समझते हैं कैसे हो रहा है। ये एग्जाम्पल है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये 20th लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन है बी एस ए, 21 प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट है, एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट 135 है, 136 से आगे ये सेक्शन या ये सब रूटीन स्टोर्ड है और लास्ट लाइन अनकंडीशनल ब्रांच इन इनडायरेक्ट मोड में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी लाइन नंबर 20 पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट 135 है, यहां पता लगा डिकोडिंग फेज पे कि ब्रांच इन सेव एड्रेस ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रोग्राम काउंटर के करंट कंटेंट है वो क्या है, इस वक्त जिस वक्त ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट होंगे नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस जो कि 21 है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर को मेमोरी की उस लोकेशन में स्टोर कर दे रहा है जो कि एड्रेस रजिस्टर स्पेसिफाई कर रहा है, और एड्रेस रजिस्टर क्या स्पेसिफाई कर रहा है, फंक्शन जिसको कॉल किया गया है उसका स्टैटिक लोकेशन जो कि एक ब्लैंक लोकेशन है। तो ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को आपने इस लोकेशन पे जो इस एड्रेस पे स्टोर कर दिया क्योंकि ये ब्लैंक लोकेशन है। अब चूंकि जो सब रूटीन है वो तो इसके अगली लोकेशन से लिखा हुआ है, तो साथ साथ आपने क्या किया, एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो आप एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट अब क्या हो गए 136, और ये जो अपडेटेड कंटेंट है ये आपने प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दिए। अब प्रोग्राम काउंटर के अपडेटेड कंटेंट 136 है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, तो प्रोग्राम काउंटर फिर से दोबारा एड्रेस रजिस्टर में अपना एड्रेस को एड्रेस अपडेट करेगा इस सीक्वेंस में। तो अब अपडेटेड कंटेंट आ गए 136, ये सब रूटीन एग्जीक्यूट हुआ, सब रूटीन एग्जीक्यूट पूरा हो गया, पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट हुआ। लास्ट इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट कर रहा था तो देखा ये अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अनकंडीशनली ब्रांच करे कहां पर, इस लोकेशन पे जो एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट है, जो यहां पे इसका एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन कोड का, इस लोकेशन पे ये ब्रांच करे। लेकिन चूंकि यहां मोड सिलेक्शन बिट 1 है यानी कि इनडायरेक्ट मोड में है, ये एड्रेस है यहां पे इसने ब्रांच किया, तो ये एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन नहीं है जहां पे हमने जिसको हमने नेक्स्ट साइकिल में एग्जीक्यूट करना है। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मोड है, इनडायरेक्ट मोड में एक बार और एड्रेस फेच होगा यानी 21st लोकेशन में फिर ये जाएगा, इस लोकेशन पे जो ये कंटेंट है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहां पे ये इनडायरेक्ट मोड में है। तो इस तरीके से ये सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस इंस्ट्रक्शन नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होंगे। यही यहाँ पे इस रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन चूंकि पूरा सीक्वेंस एक ही क्लॉक पल्स में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसको दो भागों में तोड़ दिया है। T5, T4 में क्या हुआ है, प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट है मेमोरी में स्टोर कर दिए उस लोकेशन पे जो कि एड्रेस पार्ट में स्पेसिफाई किया गया है, और साथ में एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स में T5 में एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में, अपडेटेड एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कर दिया और सीक्वेंस काउंटर को जीरो कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, ये वाले इंस्ट्रक्शन से आगे के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते रहेंगे, कब तक, जब तक ये वाला इंस्ट्रक्शन ना आ जाए जो अनकंडीशनल ब्रांच है, अनकंडीशनल ब्रांच कर दे। ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है, अनकंडीशनल ब्रांच कर दे इस लोकेशन पे इनडायरेक्ट मोड में, तो इस लोकेशन में वापस जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट मोड है, तो अगेन एक बार और एड्रेस फेच होगा, तो अगेन फिर वो इस लोकेशन पर जाएगा और इस लोकेशन पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करेगा। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर के साथ साथ हम जीरो कर चुके हैं, जब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद सीक्वेंस काउंटर जीरो होगा, जीरो होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहां चला जाएगा, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर अनकंडीशनल ब्रांच करके इस लोकेशन में लौट जाएगा इनडायरेक्ट मोड में, और फिर नॉर्मल सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस प्रकार ब्रांच एंड सेव एड्रेस एग्जीक्यूट होता है। धन्यवाद।